Hi viewers, this is me Rubaha Imran and you're watching my YouTube channel. Viewers, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलेगा. इस लाइव सेशन में हमें ज्वाइन किया है इंडिया से डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी ने और पाकिस्तान से पाकिस्तानी ओवरसीज जैनुल आबदीन ने हमें ज्वाइन किया है. आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया. व्यूवर्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए. अगर चाहते हैं कि हम डिजिटली प्रमोट हो सकें तो हमारे हमारे चैनल की आप मेंबरशिप भी ले सकते हैं और इसके साथ साथ आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा सुपर चैट भी कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं. अगर आप जैन से सवाल करना चाहते हैं, डॉक्टर अभिषेक सर से सवाल करना चाहते हैं, तो आप इनसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं. और प्रोग्राम आज जिस टॉपिक पे है, मेरे टाइटल देख के सबको समझ आ ही गया होगा. आज का जो मेरा बेसिकली टाइटल ये है कि 9 पाकिस्तानियों को इंडियन नेवी ने रेस्क्यू किया है और जो कि ईरानियन शिप में थी और सोमालिया ने उनको हाईजैक करने की कोशिश की, जिसपे इंडियन नेवी ने 9 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू किया. इस पर आज हम डिबेट करने जा रहे हैं. सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया जैन और डॉक्टर साहब. डॉक्टर साहब, पहले मेरा आपसे सवाल होगा और क्या कहेंगे इस न्यूज़ को देखते हुए, इतनी करम हम पर कैसे? आप तो मतलब हमारा तो शुरू से लेकर इंडिया के साथ जो है काफ़ी इख्तलाफ रहता है और आज देखा जाए बॉर्डर की लड़ाई में सिर्फ हमारी हर कंट्री के साथ लड़ाई है और सिर्फ इंडिया के साथ ही हमारे अमन के ताल्लुकात चल रहे हैं अगर देखा जाए ऊपर ऊपर से. तो आप इस पर क्या कहेंगे और ये इतना करम 9 पाकिस्तानियों को इंडियन नेवी ने बचाया है, इस पर आपकी क्या थॉट्स है? हमारे यहाँ कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई. आप बोलेंगे ऐसा भी ऑनलाइन? नहीं बोलेंगे, दिक्कत में आ जाएंगे आप. भाई भाई सब भाई भाई हैं. आप बोलिए, आप इसका कॉन्सिक्वेंस नहीं समझती. आप बहुत शरीफ है कि ये बोलने का मतलब क्या होगा, आपको बड़े इसके कॉस्ट पे करने पड़ जाएंगे. ठीक है ना भाई, आप नहीं बोल सकती हैं टेक्निकली. पॉइंट ये है कि हमेशा से आपने हमें दुश्मन माना, हमने आपको दुश्मन नहीं माना. अब ये क्यों आपकी ऐसी माइंड सेट है, ये आपको अपने आप से बात करना होगा. मगर आप इंट्रोस्पेक्शन की जगह एक्स्ट्रो एक्सपेक्शन पे लगे हुए हैं, सारी दुनिया में खमियां पा रहे. तो उसका क्या इलाज किया जाए? जहां भी मानवता को चोट लगेगी भारत वहां जाएगा. जैसे जैसे भारत का स्टेचर बढ़ेगा, जैसे ये जो रीजन है गल्फ ऑफ एडन, इसको सिक्योर करने का वर्ल्ड ने जिम्मा इंडिया को दे दिया, इंडियन नेवी को दे दिया है. तो ये INS सुमित्रा थी, 2 शिप थे, दोनों ही ईरानियन शिप थे, ईरानियन फ्लैग्ड थे. और एक पे पहले उन्होंने ईरानियंस को बचाया, दूसरे पे उन्होंने पाकिस्तानी को बचाया. तो उन्होंने ईरानियन या पाकिस्तानी को नहीं बचाया, इस एरिया की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत की है. द मैरीटाइम सिक्योरिटी फॉर दिस रीजन लाइज ऑन इंडिया. तो जो भी होगा वो पायरेट्स की अगर उसमें आएगा तो जद में आएगा तो हम उसकी सुरक्षा करेंगे. और पाकिस्तानी का इंसान नहीं है पाकिस्तानी, क्या आप ही एक पाकिस्तानी? मुझे बहुत अच्छी लगती है जैनब, एक अच्छे पाकिस्तानी है, मुझे अच्छे लगते हैं. पर पाकिस्तानियों को ये माइंडसेट तो सोचना पड़ेगा कि हम हरफ ही दुश्मन है. क्यों दुश्मन है ये बताए बिना? अभी कुछ दिन पहले आपने कह दिया हमारा कल्चर अलग है, सिविलाइजेशन अलग है, हमारी भाषा अलग है, हम सब अलग है हिंदुओं से. बिना ये बताए कि ठीक है आप अलग तो है पर हैं कौन, ये नहीं बता रहे आप सारी दुनिया को बता जी हम अलग है. अच्छा जी चलो जी आप अलग हो गए पर कौन हो ये तो बता दो, ये नहीं बता रहे हो आप. ये अल्लाह के कई राजों में से एक राज हो गया कि पाकिस्तानी कौन है, वो अलग है, ये तो तय है, हिंदुओं से अलग है वो, पर हैं कौन ये जानने की चेष्टा किए मेरी आंखें ना बंद हो जाए. बस मुझे यही डर लग रहा है कि पाकिस्तानी कौन है भाई. ठीक है आप समझ रही हैं पाकिस्तान का मतलब, तो आप समझ ही रही हैं क्या होता है. तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आप इंसान हो, कहीं भी होगा यार हम प्रोटेक्ट करेंगे. उसमें पाकिस्तानी हम नहीं मानते पाकिस्तानियों को दुश्मन, पाकिस्तानी हमें अपना दुश्मन मानते हैं, उस वजह से हमें रिटेलिएट करना पड़ता है. अब आपने हमें अपना दुश्मन क्यों माना ये आप अपने लोगों से पूछिए, बात खत्म हो जाएगी. हमारे लिए आप दुश्मन नहीं हो, हम तो बार बार कहते हो कि आप हमारा हिस्सा हो, आप ही कहते हो कि हम हिंदू से अलग है, हम हिंदू नहीं है. और हिंदू बार बार कहते हैं कि आप हमारे फैमिली के पार्ट हो. कौन कह रहा है कि हम अलग है? हिंदू कह रहा है आप अलग हो, हिंदू कह रहा है कि इंडिया का टूटा हुआ पार्ट है, वो इंडिया है, वो भी हमारी भूमि है, आप भी हमारे लोग हो.
ये तो आप कह रहे हो ना चिल्ला चिल्ला के फ्रॉम द रूफ फ्रॉम द टॉप ऑफ द रूफ की भैया हम हिंदू नहीं है, हमारी सिविलाइजेशन हिंदू नहीं है, हमारा कल्चर हिंदू नहीं है, हमारा ये हिंदू नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो समस्या किसके अंदर है? आज इमरान खान साहब जो नया पाकिस्तान लेना लेके आना चाहते थे, पुराने पाकिस्तान में चले गए भैया 10 साल के लिए। वो आए थे नया पाकिस्तान बनाने, उनको ये पता नहीं था कि जो वो वही हिस्ट्री है वो रिपीट करेगी अपने आप को। झूठ बोलने से हिस्ट्री नहीं बदलती। नया पाकिस्तान बनाने आए थे ना, और पुराना पाकिस्तान बन गए। जितने प्रधानमंत्री थे सबके साथ यही होता है, वही वो कर गए। आज पता है ना आपको, उनको एक पर्टिकुलर केस के मैटर में उनको 10 साल की सजा हुई है, और सिर्फ उनको नहीं है, आला हजरत सर कुरैशी भी चले गए अंदर 10 साल के लिए, जो आपके फॉरेन मिनिस्टर थे। और किस लिए गए पता है? कोई केबल वॉशिंगटन से भेजा गया था उस केबल को मिसप्लेस करने के लिए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में। मेरी इस आंखों से गंगा और इस आंखों से अरेबियन सी बह रहा था ये न्यूज पढ़ने के बाद, और आपके कोर्ट का कमाल। 10 साल की सजा, लो जी हो गया इलेक्शन। कहां तो वो ताल ठोक रहे थे कि हम सेकेंड टर्म देखेंगे, जो जी हो गया, खेल ही खत्म। ये नया पाकिस्तान है, ये क्यों हो रहा है? इमरान खान ये है। खैर मैं इस पर नहीं बोलूंगा, आपका चैनल है तो हम आपको दुश्मन नहीं मानते। आप भारत का अंग हो, आप भारत का अंग हो, आप जहां रहते हो भूमि भारत की भूमि है, वो हिंदू की भूमि है। हम आपको अपना कैसे पराया मान लेंगे? आप कह रहे हो कि पराया हो। जिस दिन आपकी बात समझ में आएगी, सच से आपका सामना होगा, सारे मैटर खत्म हो जाएंगे। जब तक आपका ये रुख रहेगा, हम आपसे उसी भाषा में बात करेंगे जिस भाषा में आप बात करना चाहते हो। लेकिन एक दिन तो सत्य को प्रिवेल करना होगा ना, एक दिन तो आप अंदर झांकोगे। कभी ना कभी वो दिन आएगा जब आप अंदर झांकोगे। अभी आप सारी दुनिया में कीड़े निकाल रहे हो, हम भी खराब, आप भी खराब, सब खराब। मसीरे आलमगीर पढ़ा है आपने, औरंगजेब को आप हीरो मानते हो अपना, अपनी भूमि से नफरत करते हो, औरंगजेब को हीरो मानते हो। खैर चले कोई बात नहीं, मैं कभी आपको मसीरे आलमगीर भी पढ़ के सुनाऊंगा। अभी अब हमारे भाई आप जैन उल आबदीन से भी ले लें। एक जैन का नाम इतना बड़ा कि लेने में मुझे 2 दिन लग जाते हैं। सर आप जैन भी कह सकते हैं, जैन कहते तो हमें लगता है हमारे यहाँ वाले जैन भाई जो है हमारे, अब ये जैन है कि जैन है? जैन है सर, वो जैन नहीं है, जैन है सर। अच्छा ठीक है, जैन नहीं है, चलिए अच्छा, थैंक यू जैन। नाउ ओवर टू यू। अच्छा सर, प्रॉब्लम ही यही खत्म हो गई, जब आप हमें अगर दुश्मनी नहीं मानते तो हम भी आपको नहीं मानते हैं, हम भी अमन चाहते हैं, पीस चाहते हैं, लेकिन कंट्रोवर्सीज तो चलती रहती हैं। तो जैन आपकी तरफ जाते हैं, क्या कहेंगे आप इस खबर को देखते हुए? सॉरी मुझसे मिस्टेक हो गई, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में काफी लोग यही कह रहे हैं कि 19, तो मुझे लगा 9 पाकिस्तानी को सेव किया, तो ये काफी लोग मुझे ये इस पर करेक्ट कर रहे हैं कि 19 पाकिस्तानीज थे। तो मैं अपने आप को, अपनी बात को करेक्ट करती हूँ, करेक्ट करते साथ ही मैं जैन की तरफ जाती हूँ। जैन आप बताएं इस बारे में आपकी क्या थॉट्स हैं, इस खबर को देखते हुए आपके क्या एनालिसिस हैं? देखें तो जितनी भी ये जो समुद्री ट्रेड होती है ना, और दुनिया में सबसे सस्ती जो ट्रेड है ना वो समुद्री ट्रेड होती है। अभिषेक भाई मुझे सेकंड करेंगे, और क्योंकि टाइम टेकिंग है, इस वजह से अब लोग जो है वो जैसे सीपैक और इस तरह की चीजें ये भी बनना शुरू हो गई हैं, और एयर वाली जो है वो तो बहुत ज्यादा महंगी पड़ जाती है। तो इस वजह से ये जो रूट्स होती है ना, जो समुद्री जो रस्ते होते हैं उन पे फिर हर मुल्क के पास अपना समुद्री रास्ता है। इस तरह से नहीं है जैसे हम पाकिस्तान इंडिया की एयर स्पेस नहीं यूज कर सकता, इंडिया पाकिस्तान की एयर स्पेस नहीं यूज कर सकता। यानी जो आपकी टेरिटरी है उसमें आपकी समंदरी सरहदें भी होती हैं, उसमें आपकी जो है वो फिजाई सरहदें भी होती हैं, उसमें आपकी जो लैंड की सरहदें हैं वो भी होती हैं। तो ये जो जिस एरिए से ये सेफ्टी आप बता रही हैं, तो ये असल में इसमें इंडिया पाकिस्तान का कॉन्टेक्स्ट नहीं है, और ना ही इंडिया पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट को इसमें हम उस तरह से करते। देखें हमने वो मिर्च मसाला लगाना होता है मीडिया वालों ने, तो हम उस तरह से करते हैं जब उस जो उनको हो सकता है पता भी ना हो जिन लोगों ने सेव किया है, जब तक उन्होंने वो सेव नहीं किया था तब तक उन्हें पता भी नहीं होगा कभी इसमें पाकिस्तानी है, क्योंकि ईरान का वो फ्लैग लगा हुआ था पाकिस्तानी, तो उस तरफ यानी जो पाकिस्तानी शिप्स है वो उस तरफ जा ही नहीं सकती क्योंकि वो इंडियन टेरिटरी है सारी। और वो जो पास होते हैं, जैसे आपने वो मूवी देखी होगी ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, या आपने मूवी देखी होगी पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन, जो पूरी सीरीज देखी होगी आपने,
तो उसमें ये है कि ये जो पायरेट्स हैं, ये जो समंदरी कजाक कहते हैं इनको, ये लोग तो हर इस तरह की जो है ना चीजों पे हमले शमले करते हैं, लूटते हैं माल, लूटते हैं। ये ऐसे ही है जैसे हमारे यहाँ ये कह दे कोई कि यार ये वाला रूट सड़क की सड़क से ना जाना, यहाँ पे चोर डाकू होते हैं। तो इस तरह का ये सारा सिनेरियो था। उनका मकसद भी कोई, वो कोई जंग नहीं चल रही सोमालिया के साथ ना, उस तरह के मामलात है। वो एक ईरानी जहाज है जिसपे जाहिर है क्यू जो क्रू है उसका, वो सारा पाकिस्तानी हो सकता है ऑब्वियस सी बात। तो उनको उन्होंने से भी, लेकिन इसमें ये नहीं है कि ये कोई बुरी चीज है, ये बड़ा अच्छा जेस्चर है और ये सेफ्टी जिम्मेदारी में भी आती है इंडिया की, लेकिन फिर भी ये एक बहुत अच्छा जेस्चर है क्योंकि बहुत सी जगह ऐसी हैं, बहुत से ऐसे रूट्स हैं जहाँ पे बहुत अनसेफ है ये सारी चीजें, और लोग जो हैं वो उसकी फिर जिम्मेदारी भी नहीं लेते अगर इस तरह की चीजें होती रहती हैं और इस तरह की चोरियां चकारियां ये होती हैं। लेकिन बहरहाल ये अच्छी चीज है। और अभिषेक भाई कह रहे हैं कि ये हमें दुश्मन नहीं समझते, हम ही नहीं समझते हैं। तो मैं आज हम लोग डिस्कस कर रहे थे इसी चीज को, मेरे पाकिस्तानी कलीग्स कुछ दोस्त उनके साथ हम यही बात डिस्कस कर रहे थे कि पाकिस्तान में अभी जैसे इलेक्शन आ रहे हैं तो कौन कौन सा वोट बैंक होता है पाकिस्तान में, किन किन चीजों का एंटी, देखें प्रो इस्लामिक यानी इस्लामिक टच वाला वोट बैंक होता है कुछ पाकिस्तान में, एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट बैंक होता है पाकिस्तान में, और खासतौर पे इमरान खान साहब ने किन किन एरियाज को टारगेट किया। अब ये जो साइफर वाला केस है, ये जो साइफर की कहानी कैसे शुरू हुई है, जैसे अभिषेक भाई कह रहे हैं वो तो एक जो वहां का जर्नलिस्ट है पाकिस्तानी वो बेहतर अंदाज में समझ सकता है कि इसको यूज कैसे किया इमरान खान साहब ने। असल में ये जो साइफर आना, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये रूटीन की चीजें हैं कि आप लोग साइफर के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, दूसरे जो वजारतें होती हैं फॉरेन अफेयर्स की वो आपस में कम्युनिकेट करती हैं, साइफर आते हैं उसमें मुख्तलिफ किस्म के जो है वो कोडिंग में आते हैं आपको पैगाम, और आपने उसके जवाब देने होते हैं। लेकिन अब ये जो सारा मामला हुआ, इसको इमरान खान साहब ने, वो साइफर जो होता है वो इतना इंतहाई सीक्रेट होता है कि वो आप कैबिनेट में भी नहीं खोल के दे रख सकते। जो वफाकी काबीना है जिसमें आपके एमएनएस बैठे हैं, ठीक है, जो इलेक्टेड है, तो आप लोगों में जाके लहरा रहे हैं कि ये देखें ये अमरीकी साजिश है और ये अमरीका ने ये मुझे खत भेजा है, और फिर आप कहते हैं जी कि वो खत गुम हो गया। अब आपने वो दिखाया भी, यहाँ पे आपने एक खिलाफ वर्जी कर दी, ठीक है, और फिर आपने उसको जो है वो अः गुमा भी दिया, ये भी आप खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तो अब ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, इसको आप छोटा तो नहीं हम लिख सकते उस कॉन्टेक्स्ट में, अगर इसको देखें जिस तरह से, ये तो एक गद्दारी के जुमरे में आता है ना ये चीज, अगर उस ये इसमें कोई शक नहीं है कि लूपहोल्स बड़े हैं इस केस में, इसको बड़ी तेजी इन्होंने की और इन्होंने इलेक्शंस से पहले ये डिसीजन लेना था, इस वजह से तेजी दिखाई गई इस केस में। लेकिन अगर ये कहें कि गलती नहीं है इमरान खान साहब की, ये शाह महमूद कुरैशी साहब की, तो उसमें बिल्कुल दो राय नहीं है, उन्होंने गलती की है, उन्होंने मिस यूज किया है इसको, पोलिटिकली यूज किया है इस सारे सिनेरियो को, इस चीज को यूज करने की, अमरीकी साजिश और एब्सोल्युटली नॉट, और ये वो जो बयानिए बनाने की कोशिश की गई। तो वो वाला जो पार्ट था, वो वाला जो वोट बैंक है उसको उन्होंने किसी तरह से गेन करने की कोशिश की, जो एंटी अमेरिका वोट बैंक है पाकिस्तान में। और ये एंटी अमेरिका वोट बैंक बना 2001 जो है उसके बाद से, ठीक है, उससे पहले शायद उस तरह से नहीं था। तो इस तरह से एंटी इंडियन मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में वोट बैंक है, अगर है तो वो बहुत माइनर है एंटी इंडियन वोट बैंक की, और ना ही इस चीज को कोई अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी अपना, क्योंकि मैं खुद बहुत ज्यादा मैंने पार्लियामेंटेरियंस, मैं पाकिस्तान का यंगेस्ट होस्ट था जिसने 70+ पार्लियामेंटेरियंस को होस्ट किया, एमपीएस एमएनएस को, और मैं उनका समझता हूँ कि वो किस तरह से वो चीजें बनाते थे। तो उनका जो चीजें बनाते थे ना वो उसमें एंटी इंडियन, क्योंकि वो उन्होंने कोशिश करनी होती थी कि इस्लामिक टच, जैसे वो कहते थे इमरान खान साहब की पार्टी इस्लामिक टच भी देते थे किसी तरह से, कि वो वाला वोट बैंक भी हमारी तरफ आए, और ये सारी पार्टियां करती हैं, पूरी दुनिया की हर पार्टी ऐसे करती है कि वो देखती है कि कहाँ पे किस चीज का वोट बैंक है, उस चीज को वो कवर करने की जरूर कोशिश करती है। फिर उसके बाद एंटी अमेरिका सेंटिमेंट्स को वो चाहते हैं कि वो वाला, और एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो एक हमारे यहाँ एस्टेब्लिशमेंट के लोगों के दिलों में एस्टेब्लिशमेंट के लिए जो एक नफरत होती है जिसको वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उसको भी कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीजों को टिक किया इमरान खान साहब ने। ये जो आप आज आपको हवा नजर आ रही है इस कदर इमरान खान साहब की, इसमें इमरान खान साहब की कोई परफॉर्मेंस नहीं है, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ भी नहीं किया, महंगाई करके गए हैं, IMF के दहाने पे छोड़ के गए हैं, ठीक है, हमें डिफॉल्ट के दहाने पे छोड़ के गए हैं, लेकिन वोट बैंक क्या है जी, एंटी अमेरिका वोट बैंक है, इस्लामिक टच का वोट बैंक है, और जो दूसरा है क्या नाम मैंने आपको बता दिया।
और क्या, अगर इसमें एंटी इंडियन देखें तो एंटी इंडियन कोई चीज नहीं है इसमें। और पाकिस्तान में एंटी इंडियन उतने वोट बैंक नहीं है, इंडिया में है एंटी पाकिस्तान वोट बैंक, ये अभिषेक भाई मानेंगे इस बात को। और ये हमेशा होता है कि जब कोई इलेक्शन होता है तो इस तरह का पुलवामा अटैक और इस तरह की चीजें जो है ना उसको सियासी तौर पर यूज किया जाता है। अब मुझे नहीं पता, मैं न्यूट्रल होकर बात कर रहा हूँ, मुझे इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि इस तरह से क्यों होता है या नहीं होता, लेकिन अगर इसको आप समझते हैं कि पाकिस्तान में नफरत पाई जाती है इंडिया की, तो मेरा ख्याल नहीं है होता वो शायद प्रीवियस ईयर्स में। अब क्योंकि जो मैं ग्राउंड रियलिटी को समझता हूँ, वहां पे अमेरिका के खिलाफ लोगों के सेंटिमेंट्स हैं और जो बाकी चीजें जो मैंने आपको बताई वो है, लेकिन एंटी इंडियन वोट बैंक पाकिस्तान में नहीं है, अगर है तो बहुत माइनर है। डॉक्टर साहब, जैन ने एक लास्ट बात की कि इंडिया में इलेक्शंस में एक वोट बैंक होता है जो कि एंटी पाकिस्तान होता है, क्या इस बात से आप एग्री करेंगे या डिनाई करेंगे, क्या कहेंगे इस पर, आपकी क्या एनालिसिस है? आप म्यूट है सर, म्यूट है सर आप। भाई ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मोदी का यार है गद्दार है, इस प्लैंक पे चढ़ के इमरान खान जो है वो वोट पे आए तो एंटी इंडिया वोट कैसे नहीं है। मोदी का यार है गद्दार है, इसको आप टॉप ऑफ द रूफ चिल्ला रहे हो, मैं आप कुछ आपको कहना बता, चाह रहे हैं सर? जी, हाँ मैंने ये बात आपको बताई है कि अगर ऐसा कुछ है तो वो बहुत माइनर सतह पे है और इससे वोट बैंक कोई भी नहीं बनता। आप, मैंने आपको मैनिफेस्टो आप देख लेना इन सारी सियासी जमातों का पाकिस्तान, तो उसमें एक जमात इस्लामी है जो इस तरह की कोई हरकत अगर करती हो और जो इस चीज को कहती हो, और उसकी आप सीटें देख लें पाकिस्तान में कितनी है, बड़ी हुई तो वो एक दो सीट जीतती होगी बस। चलिए दूसरी बात पे आते हैं कि अब कि एंटी इंडिया रिटोरिक नहीं है, एंटी इंडिया पाकिस्तान ही नहीं। अगर एंटी इंडिया पाकिस्तान नहीं है तो आपके बॉस जो है वो क्यों कह रहे हैं हम हिंदू नहीं है, हम हिंदू कल्चर का नहीं है, हम हिंदू ये नहीं है, क्या जरूरत है इसको कहने की? अगर कौन से एंटी बॉस? इंडिया नहीं, अभी कल ही आपके आर्मी के चीफ साहब ने कहा है नहीं कि हम हिंदू नहीं है, तो ये कहने की देखिए, क्या जरूरत हो गई एंटी इंडिया? हम तो नहीं कह रहे आप मुसलमान नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि आर्मी चीफ जो है उनके तो पहले ही एंटी एस्टेब्लिशमेंट, तो पहले ही वोट बैंक है। आर्मी चीफ का मतलब ये तो नहीं है कि कोई वजीर आजम, मैं सियासी जमातों की बात कर रहा हूँ, वोट ये बैंक सब ये क्या की बात कर रहा हूँ। आपके आर्मी सियासत से अलग है? खैर चलें, ये रिवाज के चलन पे ये बात मैं नहीं करना चाहता, इनको किसी ट्रबल में नहीं लाना चाहता। पाकिस्तान की बेसिस एंटी इंडिया है भाई साहब, और जिस दिन कोई आदमी जो है वो फ्रेंडली इंडिया का जरा वो क्या नाम है वो कर दे कि हम इंडिया से दोस्ती करके रखना चाहते हैं और यहाँ पे हम जो है इंडियन कल्चर को रिवाइव करेंगे, जरा वो ताल ठोक दे और फिर वो वेट गवर्नमेंट में आ जाए, फिर मुझे दिखा दे एंटी। आपको एक बात, सॉरी, लेकिन मैं आपको जिस कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ऑब्वियस की बात है छोटा तबका होता है हर जगह पे, लेकिन इसको मेजर उस तरह से देखें जिस तरह से इमरान खान साहब ने इस चीज को यूज किया ना कि एब्सोल्युटली नॉट क्राइम इन अमेरिका, और एक हवा बन गई, वो नारा बन गया। इस तरह से एंटी इंडियन कोई नारा नहीं बन सकता पाकिस्तान में, पास्ट का मुझे नहीं पता। अब कोई ऐसा शख्स नहीं कह सकता कि मैं जी इंडिया पे मुझे जितवाएं और मैं इंडिया के साथ जंग शुरू कर दूंगा तो कोई बंदा नहीं उसको वोट देगा, या वो कहे कि मैं को इंडिया फतह करने लगा हूं और मुझे वोट बैंक दे, तो इस चीज का कोई वोट बैंक नहीं है पाकिस्तान में, ये तो मैं डंके की जोर पे कह सकता हूँ ये। लेकिन अगर आप कहें कि अगर कोई ये कहे कि एस्टेब्लिशमेंट का रोल खत्म करूंगा मैं पाकिस्तानी सियासत में, इस बेस पे मुझे वोट वोट दे तो लोग देंगे वोट, अगर कोई शख्स ये कहे कि मैं अमेरिका की जो इंटरवेंशन है पाकिस्तानी सियासत में उसको खत्म करने की कोशिश करूंगा, इस पे वोट बैंक है। लेकिन अगर कोई ये कहना कि मैं इंडिया फतह कर लूंगा और मुझे वोट बैंक, मैं नहीं समझता पाकिस्तान में इस चीज का वोट बैंक है। माजी हाफिज सईद का नया पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च हुआ है, अभी पता चलेगा उसकी क्या स्टेटस है। हाफिज सईद के सारे आपके पॉलिटिकल जो बॉस हैं वो उनके वोट बैंक का इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान का वोट, पहली बात, कोई ओरिजिनल वोट है नहीं, क्योंकि आपके यहाँ वोट पड़ता नहीं, पड़वाया जाता है। सो आप किसी अथॉरिटेटिव स्टडी से उस वोट का मैंडेट तो एग्जामिन नहीं कर सकते कि वोट क्यों पड़ा। ठीक, नंबर वन। कहीं से मेरी आवाज इको हो रही है यार, विवाद करो। हेलो,
हाँ अभी ठीक है, तुम्हारी वजह से प्रॉब्लम नहीं, शायद जैन जैन आप ही म्यूट करें तो जरा। हेलो, हाँ अभी नहीं हो रहा है दोनों तरफ से। तो मैं ये कह रहा था जैन कि चूंकि जब आप साइंस ऑफ सेफोलॉजी पे जाएंगे, सेफोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ वोटिंग, ठीक है, आपके यहाँ कभी भी कोई फ्री एंड फेयर इलेक्शन पिछले कई साल से तो मैंने नहीं देखा। तो ये कह देना कि उस मैंडेट को आप जानते हैं कि लोग इस नाम पे वोट नहीं देंगे, इसको मैं नहीं मानता। आपके यहाँ वोट जो है वो पैरामीटर नहीं है ये डिटरमाइन करने का कि क्या एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स है कि नहीं। आपके यहाँ ये डिटरमाइन करने का पैरामीटर है कि अगर हाफिज सईद एक कॉल देता है, कितने लोग उस मुजस्मे में इकट्ठे होते हैं जहां से वो भर भर के इंडिया को और हिंदूज को गाली देता है। ये है टेस्ट। आप जी बोलिए। अब हाफिज सईद जो है वो कोई सियासी शख्सियत नहीं है, ठीक है, वो एक मजहबी और मजहब में भी आपको एक पता मिनट, है अब आप इस पे जाएं, इस पे जाएं, पहले मैं आपको कह दूं, आपको ये कहने का हक नहीं है कि वो सियासी और मजहबी नहीं है। आपके यहाँ मजहब और सियासत में अलग कोई अलगाव नहीं है। आपका कॉन्स्टिट्यूशन मजहब और सियासत को अलग नहीं करता, बल्कि उनको और पास लाता है। आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि मजलिस शुरा के द्वारा बनाए गए लॉ को इस्लामिक काउंसिल एग्जामिन करेगा कि वो लॉ इस्लाम की दृष्टि से सही है कि नहीं। तो ये आप तो चूरन नहीं बेच सकते कि वो सियासी नहीं है, वो मजहबी है। आपका मजहब और सियासत एक है और एक रहेगा। आप इस्लामिक रिपब्लिक है, याद रखिए। जी बोलिए। मुझे पता है, मैं बताता हूँ, इस्लामिक काउंसिल के पास फाइनल अथॉरिटी नहीं है। इस्लामिक काउंसिल के जो पिछले चेयरमैन थे, बल्कि अभी भी है, वो बड़े अच्छे, उनके साथ मेरे टर्म जो है, तो उनके पास फाइनल अथॉरिटी नहीं होती है। उनसे सजेशन जरूर मांगते हैं, अगर अगर वो उस पैरा पैरामीटर में जा रहा है, यानी कोई ऐसी चीज जिसकी इस्लाम के साथ तसादम में आ रहा हो, यानी आतिफ मियां को एडवाइजरी बोर्ड में रखने की जब आपके गवर्नमेंट की गट्स नहीं है, वो भी वो गवर्नमेंट जो कि सो कॉल्ड वो इस्लामिक काउंसिल के ही कहने पे हटाए गए थे। मैं तो बताता हूँ पॉइंट जी बताएं। इस, हाँ जी, अब बात पहले उसकी कर लेते हैं, हाफिज सईद की। हाफिज सईद की मैं आपको बात ये कह रहा था कि वो सिर्फ इस्लामिक भी नहीं, आप उसको कह सकते, वो एक पर्टिकुलर सेक्ट के नुमाइंदे हैं जिसको हम अहले हदीस कहते हैं, ठीक है। और अहले हदीस, अहले सुन्नत, देवबंद, अहले किसी, ये चार मेन मेन सेक्ट है हमारे, ठीक है, अगर आपको पता ही होगा। तो इसमें अगर देखा जाए उनकी आबादी, तो मेरे ख्याल में वो 15% से ज्यादा नहीं होगी अहले हदीस जो है पाकिस्तान में, अगर आप हाफिज सईद की बात करें। उसमें भी हाफिज सईद जो है उसको सुनने वाले, अब उसका वोट बैंक नहीं है, ठीक है। हाफिज सईद को अहले हदीस, हर अहले हदीस जो है वो इस चीज का पाबंद नहीं है कि वो हाफिज सईद, अब हर जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब अगर कोई आपका वहां पर कोई कोई हमारे जो वहां पे कोई पंडित जी हैं, वो अगर कोई वहां पर जमात बना लेते हैं, पॉलिटिकल पार्टी बना लेते हैं, ठीक है, और किसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट देना शुरू कर, हिंदू होंगे सब लोग, ठीक है, उनकी उनको अपनी पूजा में भी शामिल करते होंगे, उनको बुलाते होंगे सारा, लेकिन वो इस चीज के पाबंद नहीं है कि वो उनकी पार्टी को वोट दें। इस तरह से तरीके लबैक, अब आपने देखा पीछे एक प्रेशर ग्रुप जो हमारे यहाँ इधर शुरू हुआ, सियासी जमात के तौर पर भी वो सामने आए, तो अब लोग उनके सेक्ट से तो हैं, लेकिन वो वोट नहीं उनको दे रहे। तो ये जो जलसे जुलूस होते हैं, मजहबी जलसे जुलूस होते हैं, इंडिया में भी बहुत बड़े मजहबी जलसे जुलूस होते हैं, तो इसका नहीं, मतलब इंडिया में मजहबी जलसे जुलूस नहीं होते, वो लोगों के पर्सनली प्रोसेशन होती है। मजहबी हम इंडिया में कोई मजहब नहीं है। पहली बात, मजहब इज अ वेरी मायोपिक कॉन्सेप्ट। मजहब यानी कि लॉ के भगवान के द्वारा भेजा गया लॉ, ये बहुत ही माइन्यूट कॉन्सेप्ट है। इसमें हमारे हमारी कंट्रीज को, आप जो बात कर रहे हैं, मैं आपको पहले कुछ बात बता दूं, आप समझे। आप बात कह रहे, वो बात हर पाकिस्तानी वही कहता है, बट बिना किसी अंडरस्टैंडिंग के। अब आपने कहा कि जर एक मिनट के म्यूट कर लेना बच्चे। तो आपने कहा कि इंडिया में इलेक्शन होता है तो क्या हो जाता है, वो पुलवामा हो जाता है और उसे एंटी इंडिया एंटी पाकिस्तान वोट मिल जाता है इंडिया में, ठीक है, ये आप कहना चाह रहे हो। अब पुलवामा में अटैक करके अपने ही लोगों को मरवा करके और बिना इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी किए हुए कौन सी सरकार निकल जाएगी, मुझे नहीं पता।
भारत ऐसा देश है, मैंने फिर कहा पाकिस्तान की जड़े भारत में, पाकिस्तान की जड़े पाकिस्तान में नहीं है, आप अभी कभी कंफ्यूजन में रहो, पाकिस्तान की जड़े हिंदुस्तान में हैं, ये याद रखिएगा। पाकिस्तान वो काम करता है जो उसको बोला जाता है हिंदुस्तान से करने के लिए। अब दूसरी बात सुन लीजिए, पाकिस्तान को जब आपने हमारे यहाँ वो भेजा 26/11 का, वो भेजे आतंकवादी, अब आप तो उसको भी डिनाई करेंगे कि आपके नहीं है, वो कसाब आपका नहीं था, कोई आपका नहीं था, ठीक है। तो हमारे यहाँ क्या हुआ कि जब वो लोग आए, और वो तो अच्छा हुआ कि कसाब पकड़ गया, वरना प्लान क्या था ये सुन लीजिए, प्लान ये था कि ये आरएसएस ने करवाया है, किताब उताब लिख के तैयार थी, उस किताब का विमोचन हुआ कि 26/11 बेसिकली आरएसएस की साजिश है, रॉक की साजिश इंडिया में है, ये सेल्फ फ्लैग ऑपरेशन है, क्योंकि आपका दिमाग इसके ऊपर है ही नहीं। पाकिस्तानी का दिमाग दो ही जगह है, बिटवीन हिज लेग एंड इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, और कहीं नहीं है उसका दिमाग, उससे ज्यादा सोच ही नहीं सकता कि 26/11 आरएसएस ने करवा दिया, समझौता आरएसएस ने करवा दिया, और पुलवामा इंडिया ने खुद करवा दिया, 9/11 अमेरिका ने खुद करवा दिया, आपके यहां पे जो हो रहा है वो आप खुद नहीं करा रहे हो, वो बाहर का करवा रहा है। ये बड़ी यूनिक फिलॉसफी आपकी चल रही है कि आपके यहां जो हो रहा है उसमें आपकी गलती नहीं है, उसमें बाहरी मुदाखलत है, लेकिन इंडिया में और अमेरिका में अगर कुछ हो गया तो ये लोग खुद करवा रहे हैं, क्योंकि इस्लाम दुश्मन है। मैं आपको वही बताऊं कि अब ये जो चीजें ना, ये लड़ाइयां अगर हम इस इन लड़ाइयों में पड़े ना, तो फिर तो ये लड़ाइयां खत्म ही नहीं होती, हम कंस्ट्रक्टिव टॉक कर ही रहे हैं। ये लड़ाई में तो आप पढ़ रहे हो ना सरकार, आप बोलते हो ना कि इंडिया में पाकिस्तान दुश्मनी का वोट मिलता है, हम तो नहीं बोलते। मुझे ये बताया सर कि कुलभूषण यादव को हमने खुद पैदा किया था, कुलभूषण यादव, आप चलिए सुन लीजिए, कुलभूषण यादव के ऊपर हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गए, आपका क्लेम है ना कुलभूषण जाधव भैया वो जासूस है, हमारा क्लेम है नहीं, अब दो क्लेम है, एक न्यूट्रल फोरम पे गए यूनाइटेड नेशन के भरोसे, सुन लीजिए, पूरी जिंदगी आप कश्मीर में यूनाइटेड नेशन रिजोल्यूशन का रोना रोते हो कि यूएन रिजोल्यूशन मानो, यूएन रिजोल्यूशन मानो, हमने आपको यूनाइटेड नेशन का प्लेटफॉर्म दे दिया कि प्रूफ कर दो कि ये जो बंदा है ये जासूस है, आतंकवादी है, नहीं कर पाए आप, सारे डॉजियर पता नहीं किसको भेज रहे हो, आईसीजे में जाके वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाके वो डॉजियर दे देते भैया, वो खुद एतराफ कर रहा है, अब आप उसको ना लेना चाहे तो हम क्या करें, आप इंडिया आइए हम आपको एतराफ करा देंगे, आप अफगानी है नहीं, मेरे से नहीं आप करवा सकते, आप आइए तो भाई बड़े आसानी से बोलना बहुत आसान है, समझ रहे ना, ये अपनी घर के उसमें बैठ के बोलना बहुत आसानी, आपको पेन नहीं देना होगा, तो ये पाकिस्तान में कोई पकड़ के और पाकिस्तान को बोले हम वो है, आपको भाई दुनिया का न्यूट्रल फोरम मिला, उसकी सजाए मौत आप क्यों नहीं कर पा रहे हो अभी तक, आप उसको व्हाई यू आर नॉट एबल टू हैंग हिम, हमने तो कसाब को बोला आतंकवादी और उसको टांग दिया, हमने बोला कसाब को कि वो आतंकवादी है टांग दिया, हमने बोला कि हाफिज सईद आतंकवादी है उसको यूएन से डेजिग्नेट करवा दिया, आप क्यों नहीं करवा पा रहे हो कुलभूषण जाधव को, क्योंकि आप कहानियां खुद बनाते हो, खुद बेचते हो, पाकिस्तान इज अ स्टेट ऑफ डिल्यूजनल कंट्री, जो वो देखता है तो सोचता है, वो सिर्फ वही देखता और सोचता और कोई नहीं सोचता, आप कहानियां क्रिएट करते हो जी, स्टेट कोई किसी सब्जेक्ट का नाम नहीं है, और स्टेट सब्जेक्ट से मिलके बनती है, बहुत से लोग होते हैं जो फैसला साज होते हैं, वो स्टेट है, स्टेट कोई खुद कोई आप केपी से तो पश्तून हुए फिर, आप पश्तून है ना, तो अब आप ये मैं क्वेश्चन क्या पूछा था, मैं दिमाग से उतर गया, कहीं और चला गया, वो फिर आ गया तो मैं पूछूं आपसे, अब मैं आपको ये दिमाग था कि आपकी जो, हाँ आप पश्तून हो तो आप मुसलमान हो, ठीक है, पश्तून मुसलमान होते हैं बाय डिफॉल्ट, नहीं सैयद है, हम सैयद है, हम भी हमारी इंसेस्ट्री जाके अरबों से मिलती है,
सारे सारे पश्तूनों की एंसेस्ट्री अरबों से मिलती है? नहीं, तो फिर तो आप पश्तून तो नहीं हुए फिर, अगर आपके अंत से आप तो अरबी हुए। पश्तून नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैं पश्तून केपी से, मैंने आपको बताया कि मैं केपी से, हमारा जो एंसेस्टर है वो केपी में केपी से। रहने वाला, खैबर पख्तूनख्वा में रहने वाला तो पख्तून होगा ना, या बाहर का अगर होगा तो अपनी नेशनल आइडेंटिटी तो जान रहा होगा ना, आपके एथनिकल आइडेंटिटी क्या है, आप अरबी हो? देखें, हम लोग पीछे जो हमारे दादा परदादा हैं वो आए हैं ईरान साइड से, फिर आगे सऊदीया तो साइड से। आपको अपने दादा परदादा सबका पता ईरान साइड से है, सैयद है आप, ठीक है साहब ये, और आपको प्राउड है इस बात पे कि वो दादा परदादा जो है वो 2,000 साल पहले कभी ईरान से आए थे या अरब से आए थे, नहीं, मुझे नहीं प्राउड बिल्कुल भी, इसकी शर्मिंदगी तो नहीं है ना, प्राउड नहीं है तो? शर्मिंदगी, मुझे कास्ट एंड क्रीड पे सही पूछे तो यकीन ही ये नहीं कास्ट है एंड क्रीड कहाँ है, ये तो एथनिसिटी है, तो सबको जानना चाहिए ना भैया, एथनिसिटी तो मुझे। जानता है आदमी। और चीज है उसको प्राउड होना, और चीज है मैं नहीं उसकी आप नहीं, शर्मिंदा नहीं है, चलो प्राउड नहीं है, शर्मिंदा नहीं हो ना, शर्मिंदा नहीं है, आप नहीं। पाकिस्तान के नेटिव नहीं हो, बाहर से आए हो, ठीक है भाई। निबाहा जी तो अमृतसर की हैं, इनके दादाजी अमृतसर में थे, गोद में गए थे, ठीक है ना। तो ये तो भाई निबाहा जी के 1,000 साल पहले का, अगर जैसे आपका सैयद से जुड़ता है, इनका भी कहां सैयद से जुड़ता है, किससे जुड़ता है निबाहा जी आपका, दादा के दादा के दादा के दादा किससे जुड़ रहे हैं, आप कहां से आई हैं, ईरान के किस पार्ट से आई हैं, या सेंट्रल एशिया से आई हैं? सर, मैं, मेरे ख्याल से हमें ये वाली बहस यहीं पे वाइंड अप कर लेना चाहिए। पाकिस्तान का कोई भी आदमी वो ओरिजिन ही नहीं है पाकिस्तान का, ये पाकिस्तानियों को सिखाया गया है। देखिए, पार्ट इस तरह से तो फिर आए तो अफगानिस्तान अफगानिस्तान नहीं था, हर चीज जो है वो हर हर जगह के इलाके का कोई नाम ओके, आप हो। ईरानी कैसे हो गए फिर, आप सैयद कैसे हो गए? मैं तो मौजूदा कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ ना कि आज जिस इलाके आपने कहा कि सर हम सैयद हैं, आपने कहा कि लोगों सर ऐसे अफगानी अफगानी नहीं था, ये नहीं था, लेकिन ये आपको पता कि सैयद था कोई? नहीं, मैं अगर आपको कहूँ कि पर्शियन स्टेट से आया था मैं, तो आपने कह रहा केड़ी पर्शियन स्टेट, तो आज का नाम लूंगा अरे ना मुझे बिल्कुल नहीं, मैं तो आपसे जानना चाह रहा हूँ, आप पर्शियन से, मैं तो मान रहा हूँ आप पर्शियन स्टेट से आए हो भैया, मैं क्यों सर। कहूँ केड़ी पर्शियन स्टेट, तो अब मैं वो तो जानना, पर्शियन तो आप टर्की, पर्शिया से आए हो, आप पर्शिया से आए हो, आप ये बताइए कि बाकी पाकिस्तानी कहां से आए हैं? मैं आपको वही बता रहा हूँ ना कि अब इन चीजों में तो बहसों में पड़े हैं, तो इस चीज में आप मुझे ये बताएं, इस तरह से तो फिर आए तो आप फलस्तीन में इंडिया जो है वो इसराइल को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, तो इसराइल ये की कहां आप चले गए इसराइल, कौन किसको सपोर्ट कर रहा है वो छोड़ दें इसमें बताएं ना, मेरी बात है, मैं आपके आपके कमेंट्स को समझ गया हूँ सर, मैं इसको फैक्चुअल बात कर रहा हूँ, आप मैं भूल समझ। गया कि मेरा प्रोविंस क्या था, ये मजे मजेदार की बात है, खैर चलिए हाँ बताइए बताइए हाँ, बताइए बताइए। आप कह रहे हैं कि हर शख्स जो पाकिस्तान में रह रहा है वो इंडियन है, ठीक है, आपका ये कहने का मतलब, अब फिर और जो आपके जितने कहने का मतलब है कि हर शख्स जो पाकिस्तान में रह रहा है वो इंडियन नहीं है, वो पाकिस्तानी भी नहीं है, सब ईरानियन है, या बात है, क्या आपका ये प्रिमाइस है? मेरी कॉन्टेक्स्ट में सुने, मैं इसको आपको ये बता रहा हूँ कि फिर आप दो रुख ना अख्तियार करें, अब फिर फलस्तीन में रहने वाला हर शख्स जो है वो फलस्तीनी है, ठीक है, तो फिर इसराइली तो ना हुआ, फिर इसराइल को क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं आप, उस तरफ आप इसराइल को एक्सेप्ट कर रहे हैं, इधर आप कह रहे हैं पाकिस्तान क्यों है। भाई आपने तो बहुत सिंपली वो आर्गुमेंट दे दिया ना कि फलस्तीन थी, फलस्तीन के पहले इसराइल था, जाके किताब पढ़िए, आपको पता ही नहीं है, अच्छा तोरा में आप तोरा पढ़े, वो जो उनकी किताब है उसमें अब्राहम को वादा किया गया था कि तुम्हारी वंशजों को इसराइल का नाम दिया जाएगा, फिलिस्तीन से पहले इसराइल था वहां पे, आपको पता ही नहीं है फिर? इस तरह तो फिर हम भी कह देते हैं कि जी यहाँ पे वो इस्लामिक जो लोग ये कहते हैं कि यहाँ पे वो इस्लाम कब आया दुनिया में सरकार हमारे, कब आया इस्लाम? कब आया, क्या नाम है उसका, जुडाइज्म, जुडाइज्म के लोग रबाई क्लेम करते हैं कि 3 से 4 हजार साल पुरानी जुडाइज्म का कॉन्सेप्ट है। फिर उसको हाँ क्लेम शुरू कर दे, इस तरह तो जी, मार, उससे पहले क्या था, आर्गुमेंट क्या है भाई, पॉइंट क्या है, अगर आप ये कह रहे हो फिलिस्तीन का लैंड फिलिस्तीनियों का है, अगर आप ये कह रहे हो तो भाई मैं सिर्फ सिंपली कह रहा हूँ कि अगर हम माजी को कुरेदते रहेंगे तो माजी में तो आप जितना पीछे जाते जाएंगे, जाते जाएं जाते जाएं, तो भाई फिर माजी को नहीं कुरेद रहा है, जब आप आप किसी चीज की साइंटिफिक स्टडी करोगे तो माजी को तो जानोगे ना, तभी तो फ्यूचर बनाओगे भैया, सर मैं वही कह जब रहा हूँ ना, माजी को ही नहीं, आप माजी को कुरेदे मत, आप माजी को जाने,
आपने अपनी माजी ही ब्लर कर दी है, ये माजी से इतनी नफरत ठीक नहीं है जैन भाई, मुझे जानना पड़ेगा आपको। मुझे तो सच पूछे ना तो मुझे जिंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह कभी किसी से नफरत नहीं हुई, माजी तो कभी किसी से नहीं हुई, और मैं तो नफरत नहीं हुई क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हैं, लेकिन जरा नफरतों के कारण पे भी तो रोशनी डालिए हुजूर आला। सर मैं कंस्ट्रक्टिव ये बात कर रहा हूँ कि इसका ये सारी लड़ाइयां ठीक है, ये सारी लड़ाइयां तो इन लड़ाइयों की बेस अगर आप हिंदुइज्म से पहले देखें तो हम लोग सब इंसान भी पहले ठीक है, कहता कि आपको कुछ मानना है तो हिंदुइज्म कुछ है ही नहीं, तो फिलोसफी है। हिंदुइज्म आइडेंटिटी हिंदुओं के लिए नहीं है, हिंदुइज्म की आइडेंटिटी दुनिया के लिए, वो इंसानों को डिस्क्राइब करती है, वो इंसानों को प्रिस्क्राइब नहीं करती, कुछ बनाती नहीं है कि ये हिंदू है वो हिंदू नहीं है। सर ये आप एक डॉक्टर होके कह रहे हैं, आप इंडियन आप भी ये जानते हैं कि इंडियन लेमन क्या समझता है, ठीक है, आप भी ये जानते हैं कि इंडिया में क्या वाकयात होते हैं, मैं भी ये जानता हूँ कि पाकिस्तान में क्या वाकयात होते हैं, मैं क्या होता है इंडिया में नहीं, मुझे नहीं पता, आप बताइए इंडिया में क्या होता है। सर ये जो आप हमें हिंदुस्तान टाइम्स की बाहर खबरें सुनाती हैं, आप पीटीवी देख लें वहां पर वो इंडिया के बताते रहते हैं, इंडिया में ये क्या बजाते हैं, आप सुन तो लें भाई, आप तो इंडिया की बजा बजा के यहाँ पहुंच गए हो, क्या बजाते हैं सुन तो लें, क्या कह रहे हैं, क्या आपके टीवियों में क्या दिखाता है वो हम सुन तो लें। मैंने तो आपके टीवी पे एक बार सुना था कि ओम पुरी मर गया और आपके बड़े आलिम थे वो, उनकी उन्होंने आत्महत्या कर ली, उनका नाम मैं बोल रहा हूँ आमिर लियाकत, वो कह रहे थे बोल टीवी पे कि आप ओम पुरी की हत्या की गई क्योंकि उसने एक बार कह दिया था कि हम पैलेस्टाइन बना देंगे कश्मीर को, उनको नंगा किया गया, उनको पूरा विविड पिक्चर की जैसे आमिर लियाकत वहां बैठे थे। सर वो मैं आपको वीडियो भेज दूंगा सुन लीजिएगा, मणिपुर के दंगे आज भी चल रहे हैं, चले दंगे तो होते हैं समाज में, दंगे होने से क्या बुराई है, दंगे तो होंगे, इनको रिजॉल्व किया जाएगा। ये मैं बेस किस बात पे की है, इसी बात पे बेस, दंगे का कारण तो जानोगे ना भैया, तभी तो रिजॉल्व करोगे दंगे क्यों होते हैं। तो करें ना, इंडिया में ज्यादा दंगे हो रहे हैं, हमारे यहाँ तो कोई दंगा नहीं हो रहा। आप क्या बेस मजहब की बेस पे, मतलब कोई होगा तो मजहब की बेस पे करोगे दंगे ना भैया, किसी को छोड़े हो बात तो अभी 17 चर्च जला दिए भूल गए भाई साहब। सर मैं वही तो आप पाकिस्तान छोड़ो, मजहब के बेस पे दुनिया में जाके दंगे मचा रहे हो पाकिस्तानी। बाबरी मस्जिद आपने तोड़ के मारने के लिए सबसे ज्यादा पाकिस्तानी जाते हैं मारने मुसलमान, वो फ्रांस में जाकर के वो जो क्लीमा लेके मारा था वो हिंदुस्तानी था। आपको सारी दुनिया ब्रांड के लिए वो हम कर रहे हैं, अभी आपको स्वीडन से बैन कर दिया, आपको नॉर्वे से बैन कर दिया, आपको ग्रीस से निकाल के फेंक दिया, वो हम कर रहे हैं। नहीं बाबरी मस्जिद खुद तोड़िए, बाबरी मस्जिद के लिए सारी चीजें हम खुद ही करें, वो क्यों बैन हो रहा है, वो पाकिस्तानी वहां जाके किसी को यहूदी को मारने जा रहा है तो आउट ऑफ लव मारने जा रहा है पाकिस्तानी। न्यूजीलैंड की मस्जिद ने अटैक किया तो एक ही तरफा मारोगे, दूसरी तरफ वाला नहीं मारेगा, दूसरों की मस्जिद मस्जिद बनाओगे तुम्हारी मस्जिद नहीं टूटेगी, एक ही तरफा चलेगा क्या, तुम क्रिश्चियनों को मारोगे क्रिश्चियन नहीं मारेगा, तुमने जाकर के बेंजेस्टाइन पे कब्जा किया हुआ है ग्रीस के लैंड पे, तुर्की उसको सल्तनत उस्मानिया बड़ा प्राउड से पढ़ाते हो, वो तुम्हारा जमीन था, तुर्कों का जमीन है वो, सल्तनत उस्मानिया पे प्राउड है कि नहीं है, मैंने तो सर आपको पहले सल्तनत उस्मानिया पे प्राउड है कि नहीं है ये बताओ, मुगलों पे प्राउड है कि नहीं है, नहीं मुझे तो दुश्मनी है मुगलों से, मेरी ना दोस्ती है ना तो जानती हूँ, मेरे माजी में वो गुजर गया, मैं मुस्तकबिल के बारे में सोचूंगा या जो प्रेजेंट है। अभी तो आपने न्यूजीलैंड के उसकी बात कर दी कि उन्होंने क्यों मारा, मेरी सर बात है, मैं ना उस चीज को चेंज कर आप सकता हूं। अंदर झांकिए महोदय, आपको बुराइयां अंदर दिखेंगी, दूसरों में कीड़ा आप निकालेंगे, निकालते निकालते इस महास पे पहुंच गए, बांग्लादेश इंडिया ने करवा दिया, साजिश इंडिया ने, बांग्लादेश क्यों करवाया, इंडियंस ने करवाया था ना, ये तो मान रहे हो सर, पूरे प्रोग्राम में देख ले मैंने कौन से कीड़े निकाले इंडिया में, सब चीजें आपने निकाली हैं। आप ही ने कहा कि भाई वहां पे दंगे हो रहे हैं मणिपुर का, मैंने बोला दंगे की बात तो बताया है कि इस तरह बोला कि बाबरी मस्जिद टूटी, वो मैंने बोला भैया, आप ही ने बोला कि हमारे यहाँ पे आपकी सारी कमियां बताते हैं दंगे हो रही है, हमने बोला, मैंने तो आपके दंगे का नाम नहीं बोला, जो आपने पूरे था दंगे का तब मैंने बताया, मैंने सर ये बताया कि अगर इस तरह की बातें करना शुरू हो जाएं तो हर जगह पे लाख मसाइल हैं, जितने मसाइल आपके हर जगह पे मसाइल,
मैं ये कह रहा हूं जैन कि दूसरों में कीड़ा निकाल के हमारे पाकिस्तान में हिंदू इंडिया विरोधी वोट नहीं पड़ता, पाकिस्तान और इंडिया में पाकिस्तान के नाम पे वोट पड़ता है, ये ज्ञान कहाँ से ले लिया? हिंदुस्तान में तो हम रह रहे हैं, पर ध्यान आप हम पाकिस्तान में सर रह रहे हैं, तो आप पाकिस्तान पे भी तो इतनी बातें कर रहे हैं तो मैंने तो आपको नहीं क्लेम किया था जब आपने बोला कि इंडिया पे सर बताएंगे कि इंडिया पाकिस्तान के नाम पे, ये आप जाके रिवाइंड करके सुनिएगा, ये स्टेटमेंट आपने दिया, मैंने तो नहीं दिया। मैंने तो कहा मैं तो आपको दुश्मन नहीं मानता हूँ, फिर नहीं, आपने ये कलाकारी शुरू की। अपनी बात से तो पीछे ना हटे ना, ऑनेस्ट रहे कम से कम, या झूठ बोलने की आदत हर जगह पे रहेगी कि झूठ बोलना ही है चाहे जो हो जाए, और नहीं बिना मैम। झूठ बोले हम रह नहीं सकते। अच्छा ये तो फिर और नहीं सही है सर, इस तरह से तो मामला, मैं तो इस तरह की वो डिस्कवरी करते ही अच्छा नहीं लगता। स्टेटमेंट पे आप स्टेटमेंट पे रहिए। आपने बोला कि भाई पाकिस्तान में इंडिया के हेटेड का वोट नहीं मिलता, लेकिन इंडिया में पाकिस्तान हेटेड का वोट मिलता है। मैंने, मैंने आप फिर रिमाइंड करिएगा, मैंने कहा कि जो मेन सेंटिमेंट्स जो चीजों को लोग टारगेट करते हैं उसमें ये नहीं है, ये होगा लेकिन ये बहुत माइनर है अगर है तो। मैंने ये फिर आप जाके सुनिएगा, आपको याद भी होगा, मैंने कहा ये वो मेजर चीज नहीं है जो हम लोग यहाँ पे, जो पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टीज जो मेजर हिट जो उनके होते हैं जहाँ पे वो समझते हैं कि सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे उनमें से, ये नहीं है, ये होगा ये माइनर होगा। मैंने आपको बता दिया पाकिस्तान में पॉलिटिक्स नाम की चीज नहीं होती। पॉलिटिक्स के जो एनालिसिस करेंगे उसके लिए पहले रिलीजन को पॉलिटिक्स से अलग कीजिए। आपके यहाँ रिलीजन और पॉलिटिक्स में कोई अंतर नहीं है, आपके पॉलिटिकल पावर से ज्यादा लोग जो रिलीजियस है उनके पास पावर है। पाकिस्तान को दो चीजें जमाती है, ए, और आपको दोनों पता है एक ए क्या है दूसरा ए क्या है, इसमें पॉलिटिक्स वाला ए है ही नहीं कोई। सर इसमें मुझे तो आज तक कोई भी इस्लामिक जमात की जो है वो अपने मुल्क में गवर्नमेंट नहीं नजर आई, आपको कोई नजर आई है अरे पूरे भाई, विश्व? गवर्नमेंट आपकी, गवर्नमेंट के पास क्या ताकत है आपके? गवर्नमेंट तो और आपके दुनिया बोलते हैं मैं गवर्नमेंट को अपने जूती में रखता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन को अपनी जूती में रखता हूँ। गवर्नमेंट क्या होती है आपके यहाँ? इमरान खान गवर्नमेंट में थे, जेल में है, 3 साल में गिर गई। आपकी गवर्नमेंट पावरफुल है मैं क्या? आपको भाई सच्ची बात, भाई आप पढ़िए थोड़ा, समझिए पहले चीजों को। आपका गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है दोस्त। ये यहाँ पे जो बहस होती है ना इन चैनल पे, मैं उससे वाकई कर लेता हूँ, मुझे वो अच्छी नहीं लगती बहस। मैं तो कंस्ट्रक्टिव समझता हूँ कि चीजें, हम ये मसले हैं इसमें तो कोई शक भी नहीं है, और अगर आप इस चीज पे कहें कि इंडिया में सब ठीक चल रहा है तो ये आपकी बड़ापन है, मैं समझता हूँ कि ठीक है, और अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तान में सब सही चल रहा है तो ये मैं भी जरूर बोल रहा हूँ। तो मैं तो यही कहता हूँ कि कंस्ट्रक्टिव टॉक हम करें, अगर हम ये बताते रहे कि फलां मुल्क में सब गलत चल रहा है, गलत चल रहा है, गलत चल रहा है, गलत चल रहा है, तो इस तरह से तो चीजें सही नहीं होंगी, गलत गलत बात गलत। आपने करी, आप मेरे ऊपर बिल फाड़ रहे हो। मैंने कहा हम पाकिस्तानियों से नफरत नहीं करते, फिर आपने धीरे से चिपकाया पहले कि इनके यहाँ पे एंटी पाकिस्तान के नाम पे वोट मिलता है। मैंने अच्छा क्या शुरुआत की थी, आपने क्या बेसिकली, शुरुआत करी महोदय? अच्छा हम टॉपिक से थोड़ा सा बहुत आउट हो चुके हैं, और हमारा टॉपिक ये था कि इंडिया ने 19 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू किया। पॉजिटिव नोट पे इस प्रोग्राम का एंड करना चाहूंगी कि हम यही चाहते हैं कि पीस मिले और रिलेशंस जो है पाकिस्तान के तमाम कंट्रीज के साथ अच्छे हो, चाहे वो ईरान है, चाहे वो अफगानिस्तान है, चाहे वो इंडिया है, चाहे वो चाइना है, चाहे वो रशिया है, चाहे वो है, पाकिस्तान जो है वो हर कंट्री के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करना चाहता है। और नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें दें इजाजत, आपके वक्त का शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया कि आप दोनों हमारे लिए टाइम निकाला। व्यूअर्स वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, अगर चाहते हैं कि हमारे चैनल प्रमोट हो तो आप हमारे मेंबरशिप भी ले सकते हैं। इजाजत दें, थैंक यू सो मच। थैंक यू।